तुसीं देख रहे हो दसमेश लाइव यूट्यूब चैनल। इस चैनल ते धार्मिक मेले, कविशरी, कीर्तन अते लाइव कबड्डी देखण लई हुणे सबसक्राइब करो अते घंटी दा बटन दबाउणा ना भुलणा। तो गुरु की साजीनवादी साध संगत 1721 ईस्वी तो 1745 ईस्वी तक लाहौर का एक सूबेदार रहा जिन्हों जकरिया खान के नाम नाल याद किया जाता है। तो जकरिया खान ने सिखां ते रज के जुल्म टाया। लगभग जिन्हां नूं असीं अरदास भी याद करते हाँ वह जकरिया खान के सूबेदारी के अहद में शहीद होए। बहुत वड्डा सिखां ते रज के उसने जुल्म किया, सिंघां दे घर काट बर्बाद कर दिते, सिंघां दे मकान ढा दिते, सिंघां दे जिया जनते तशद्दुद किया गया। आखिरकार सिंघां नूं अपने घर छड्डने पए। कुछ सिंह कानू आन की शाम भी जाके टिकाणा कर लिया, कुछ पहाड़ां ते चढ़ गए, कुछ सिंघां नूं बीकानेर दी जंगल वाले बीकानेर वाले जाना पिया। आखिरकार गुरु के खालसे ने इकट्ठ करके पंजाब की धरती ते आउण दा तहैया किया। सारियां मिसलां सारे सिंह इकट्ठे होए और इकट्ठे हो के खालसे ने तलवार उठाई। जिहड़े नंबरदारां ने सिंघां ते जुल्म ढाए सन नंबरदारां नूं सजाए मौत दित्ती गई। जिहड़े चौधरियां ने सिंघां दे बाल बच्चों बारे खबर दित्ती सी क्योंकि सिंह तां जंगलां विच चले गए सन, उन्होंने परिवार जिहड़े सन वह निर्मले ते उदासियां दे डेरियां विच सन, उन्हां नूं जिन्हां ने गिरफ्तार करवाया सी उन्हां चौधरियां दे घर घर ढाए गए, उन्हां दा अन्न धन लुटिया गया, उन्हां नूं तेग दी तार लगाया गया। फिर खालसे ने पता लगता सी जिहड़े इलाके विचों जिहड़े परगणे विचों दिल्ली वल्ले मामला जांदा सी, भाई शबेक सिंह जंबर कदे कदे सिंघां नूं खबर दे दिंदा सी। सिंह दिल्ली वल्ले जांदा होया मामला जो गड्डियां ते ऊठां ते लद के जांदा सी, उदों कागज़ दे रुपये ते हुंदे नहीं सन, चांदी जां गिल्ट दे रुपये हुंदे सन। जिहड़े गड्डियां ते लद्दे जांदे सन जां ऊठां ते लद्दे जांदे सन, सिंह उहनां ते तलवार चला के पहरेदारां नूं तेग दी धार लंघा के उह खजाना लुट लैंदे सन। नूर दी लागे खजाना लुटिया गया, गोइंदवाल दे पतण ते खजाना लुटिया गया, चविंडे वाले बहादुर सिंह ने खजाना लुटिया, इतिहादिक दिल्ली वाले एक टका भी सिंघां ने ना जान दिता। इतिहास के पन्ने दसते ने कि 3 साल लगातार एक टका भी पंजाब की धरती तो दिल्ली मामला नहीं गया। तो दिल्ली का बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला जिन्हों मामले का एक टका भी पंजाब की धरती वालों नहीं आया, वह लाहौर के सूबेदार जकरिया खान एक चिट्ठी लिखता है, विशेष तौर पर हुक्म भेजता है कि लगातार 3 साल का मामला दिल्ली वाले लाहौर वालों नहीं आया, वो बड़ी जल्दी नाल तारिया जाए। 1 साल का 1 लख रुपया बनता है, 3 साल का 3 करोड़ रुपया बनता है, और एक साल का 1 करोड़ रुपया बनता है, तो 3 साल का 3 करोड़ रुपया बनता है। पंजाब की धरती वालों एक टका भी नहीं आया, इसका की कारण है जल्दी जल्दी दस्या जाए। दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह रंगीले का हुक्म लाहौर के सूबेदार जकरिया खान को मिलता है, तो लाहौर का सूबेदार पैसे ना आने का कारण, मामला ना आने का कारण, 3 करोड़ रुपये का मामला दिल्ली ना पहुँचण का कारण दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह रंगीले ने एक चिट्ठी राही इउं दस रहा। जरा उच्ची सोच विचारना ए तरला मेरा, जरा उच्ची सोच विचारना ए तरला मेरा, केरा
सिंह दबा के वेख ले पापा के हेरा साड़िया घर काड़ बथेरा जादू सिंगा देगा चुक्कियां छा गया हनेरा जदों सिंगा ते गा चुक्कियां छा गया हनेरा मैं हर हिले नाल परखिया इन्ना दा जेरा मैं हर हिले नाल परखिया इन्ना दा जेरा एह जितनी होने मौजिया कर लईए तेरा मुहम्मद शाह रंगीले दे आए हुए हुक्म नूं सुन के लाहौर दा सूबेदार जवाब विच कहिंदा है बादशाह सलामत लाहौर रियासत विचों एक टका भी दिल्ली वाले मामला ना आउण दा कारण है कि सिंघां ने तेगां उठा लईआं जिहड़े सिंघां दे घर ढाए गए सन किले विच आ के उहनां सिंघां ने तेगां उठा लईआं ते पंजाब दी धरती ते खालसे दी तेग चल रही नंबरदारां दे जानां दी खैर नहीं चौधरी सिंघां ने चुन चुन के मार दिते ने दिल्ली वाले जांदा मामला इहदे विच कोई शक नहीं कि इकट्ठा करके भेजा जा रहा है पर सिंह रस्ते विच लुट लैंदे दिल्ली वाले एक पैसा भी आउण नहीं दिंदे मैनू बेशक लाहौर की सूबेदारी ते कायम रहण दिओ चाहे बरतरफ कर दो पर याद रखना बादशाह सलामत सिंह रोज़ दी रोज़ ताकत फड़ी जांदे ने पंजाब की धरती के काबज हो जाएंगे एक दिन दिल्ली वाले मूह करे तो तेरा तख्ता भी उल्टा के रख देंगे सवाल उठता है असी भारत की धरती के वसण वाले लोगों में 2% हाँ 2% जनी 100 विचों असी 2 हाँ विचारन वाली गल तो दोवां ने दिल्ली वाले लाहौर के सूबेदार नूं पत्रकार लिखण लई मजबूर कर दिता है भई 2% ने वक्त पा छड्डिया पंजाब की धरती इन्हां ने सरकार दे नक विच दम लिआंदा है कारण पता की है तुसीं विचारो कारण यह है कि सिंघां दा इतपाक सिंघां दा मिलाप सिंघां दा इतपाक तुसीं अपनी नज़र दड़ा के वेखना जदों भी सोचना जदों तुहानूं समां मिले तुहाडे लागे किसी गरीब परिवार ने तरक्की की है कारण होएगा इतपाक
किसी शाहूकार के दरवाजे से कंगाली आ गई, उन्होंने घर भी वेचना पाया, पैली भी वेचनी पी। कारण होएगा बेतफाकी। बेतफाकी जेडे घर पै जाए घर बर्बाद कर देंदी है, जेडे पिंड पै जाए पिंड की तरक्की रुक जाती है, जिहड़ियां कौमां विच पै जाए कौमां का सत्यानाश कर देंदी। जिवें मेरी कौम का जो अज अशर हो रहा, सिंघां दे इतपाक का कारण लाहौर के सूबेदार जकरिया खान नूं दिल्ली के बादशाह वल्ले चिट्ठी लिखनी पई कि बादशाह खतरा कला पंजाब च नहीं दिल्ली वल्ले भी आएगा। ये जिहड़े बदल उठे ने ना खालसे दे, ये गड़गड़ा के दिल्ली ते वर के जाणगे ते तेरा तख्ता उलटा के जाणगे, असमानी बिजली तेरे ते भी डिगण वाली। बादशाह नूं इह पत्रका मिलती है, बादशाह अपना दरबार सजाउंदा है, मुहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का बादशाह। ये गल 1733 ईस्वी की है, अपना बादशाह दरबार लाउंदा है ते अपने अहलकार वजीर ते अमीर नेड़े बिठाउंदा है, उन्हां नाल विचार पैदा करता है भई आ खाता वाली है ताकत, खतरे के बदर दिल्ली से भी मंडरा सकती, खालसा कौन है, इन्हां नूं किवें काबू विच रखा जा सकता है। उहदे अहलकार उहदे वजीरां ने आख्या बादशाह ना आप दिल्ली तो बाहर निकलिया ना तुहानूं जाण दिता, पंजाब की धरती से असी कदम रख के नहीं वेख्या, असी खालसे के दर्शन ही नहीं किए, खालसे के करैक्टर बारे नहीं जानते, तो तुहानूं किवें दस दिए भी खालसे नूं किवें रोकिया जा सकता है। बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला फेंदा कहिंदा कोई हल, उहदे अहलकारां उहदे वजीरां ने आख्या बादशाह असी एक सलाह देने आ, जे तुहानूं चंगी लगे तो मन लैण। की सलाह है बादशाह पुछदा है, अहलकारां ने आख्या बादशाह सलामां दे सिंघां दा पता करना, इन्हां नूं शक्तिशाली क्यों ने, उन्हां च एड्डी वड्डी ताकत क्यों दे, पंजाब नूं वक्तों पाया दे दिल्ली वल्ले रोक कीतियां तख्तां हटाउण लई उतावले क्यों ने। फिर इलाके दे जिहड़े मीरजादे ने ना नकलीए, उन्हां नूं सद के सिंघां दी नकल कराओ, तुहानूं आपे ही पता लग जाएगा सिंघां दी ताकत दा कारण की। बादशाह दे दिल नूं गल लगी, बादशाह ने ऐलान कर दिता मेरे इलाके दे जिन्ने वड्डे नकलीए ने उन्हां नूं मेरे दरबार विच हाजिर किया जाए। बड़े बड़े लोगों नूं हसाउण वाले भंड बादशाह दे दरबार विच हाजिर किए गए। बादशाह सवाल करता है कि सिंघां दी नकल करके विखाओ, उन्हां दे सरदार ने आख्या बादशाह सलामत नकल करके विखा देवांगे, पर सानू कुछ चीज़ां चाहीदियां, कुछ उपचार चाहिए, आहार चाहिए, कुछ हथियार चाहिए, कुछ वर्दियां चाहीदियां, ते नाले इत्थे तेरे तख्त लागे नहीं खोले, मैदान विच सिंघां दी नकल करके विखाई जावे। बादशाह कहा तुसीं मंग करो पूरी कर दित्ती जावे। उन्हां आख्या बादशाह सलामत असीं फर्जी जंग लड़ के विखावांगे, एक पासे होवेगी तेरी फौज का कुछ हिस्सा, दूजे पासे असीं सिंघ बाणे विच होवांगे, मैदाने जंग में नकल करके विखावे, तो सिंह बाण लई सानू चोले चाहिए, कशहरे चाहिए ने, हथियार चाहिए ने, घोड़े चाहिए ने, शरदाइया रगड़न वास्ते, सुख निधान रगड़न वास्ते रस्तां भी चाहिए। बादशाह आख्या सारा कुछ उपलब्ध कर देवांगे। जदों सारा कुछ उपलब्ध हो गया, दिन मिथले गया, जिहड़े दिन बादशाह ने नकल वेखनी सी, बादशाह अपनी कुछ फौज लैके मैदान विच आण बैठा, बादशाह की सोने की कुर्सी डाही गई, उहदे बाडीगार्ड उसके नज़दीक आण बैठे, एक पासे बादशाह की फौज का दस्ता खिलार दिता, दूजे पासे नकलियां नूं बाणे दिते गए, सिंह बाणे दिते गए, नकलियां नूं खुंडियां जिहां तलवारां दित्तियां गईयां, नकलियां नूं माड़कूजे घोड़े दिते गए, नकलियां नूं कूंडा लिया के दिता गया, नकलियां नूं डंडा लिया के दिता गया, नकलियां नूं शरदाइयां सुख निधान रगड़न वास्ते रस्तां लिया के दित्तियां गईयां। तो बैठे हुए नकलीए जिहड़े ने उन्होंने सिंह बाणे पाए, फटे हुए चोले पाए, खुंडियां जिहां तलवारां ढाकां ते लटकाईयां, माड़ूए दे घोड़े सन जिन्हां ते भूरे ते कंबल विछाए हुए सन, उन्होंने फिर शरदाइयां दे रगड़े लाउणे शुरू कीते, शरदाइयां दे रगड़े ला के सुख निधान दे रगड़े ला के फिर उन्होंने छाणा लाया, तो छाणा ला के अरदासा कीता, अरदासा छक के फिर सारिआं ने शरदाइयां छकियां, शरदाइयां छकण तो बाद उन्होंने गोला सुटिया, गोला सुटदे निहंग सिंह नूं अज वी वेख्या जा सकदा है। तुसीं दलां विच वेखो जिहड़ा नुगदा हुंदा है, बाकी बचिया समान जिहड़े पासे किसे देश दे बादशाह दा तखत होए उधर नूं मूँह करके सुटदे, निहंग सिंह अजकल दिल्ली वल्ले करके सुटदे ने मूँह अपना। तो जिहड़े नकलीए सिंघां दे रूपे सन उन्हां ने जिहड़ा नुगदा सी ना जिहड़े पासे बादशाह दी कुर्सी डट्ठी होई सी उस पासे नूं उहदे सिर उद्दी सुटिया, ते नाल इह आख्या कि तुरकां दा राज खत्म कीता जावे, खालसा पंथ नूं चढ़दी कला बख्शी जावे, ते शान झूलदे रहण ते खालसे दा राज बख्शो, हे कलगी वाले पातशाह किरपा करो,
उन्होंने सारा कुछ किया, बादशाह सुनता रहा। एक बंदा फिर उन्होंने रुख से चढ़ा दिता, जिहड़े नकलीए निहंग सिंह लिबास विच सन, उस बंदे नूं रुख से चढ़ा दिता। उस वेले दा रिवाज सी उहनूं टांगू कहा जांदा है, टांगू तो भाव उच्ची थां ते टंगिया होया कोई बंदा, बैठा होया बंदा जिहड़ा दुश्मन दे आउण वाले खतरे बारे जानकारी दिंदा है। वह टांगू रुख से चढ़ गया। जदों नकलीए सिंह बाणे विच शरदाइयां छा के तैयार बर तैयार हो गया, तो टांगू ने आवाज़ दे के आख्या, भाई दुश्मन की फौज आ रही है, क्योंकि बादशाह की फौज उस पास्यों हमला करने वास्ते आ रही थी, फर्जी जंग लड़ी जानी सी, दुश्मन की फौज आ रही है, नगारे दे चोटां पै रही ने, घोड़ियां दे सुंबां नाल गरदा उड रहा है, गुरु की लाडली फौज दुश्मन का मुकाबला करने वास्ते तैयारी की जाए। जयकारे छड़ के सिंघां ने टांगू की आवाज़ सुन के बादशाह की फौज नाल फर्जी जंग लड़नी आरंभ कर दी। तलवारां चल रही सन, एक दूजे का बचाव किया जा रहा है। बादशाह इस फर्जी जंग नूं अपनी अखां नाल वेख रहा सी, पर बादशाह की वेखदा भी लड़दियां लड़दियां फर्जी जंग लड़दियां लड़दियां नकलियां ने सिंह बाणे विच बादशाह दी फौज दे 8-10 बंदे मार दिते। बादशाह ने कह के जंग रोक दिती, ते कहण लगा, ओए तुसीं दे आखदे सी जंग फर्जी लड़नी विखावे दी लड़नी, तुसीं 7-8 सिपाही मार दिते। उन्हां दा सरदार कहण लगा, बादशाह पता नहीं इस अरदास विच की ताकत है, पता नहीं इस बाणे विच की ताकत है, अरदास करके बाणा पा के जदों असी फर्जी जंग लई चढ़े सना, सानू भुल ही गया कि जंग फर्जी लड़ी जा रही है जां असली लड़ी जा रही। जे तुसी ना रोकते तो शायद इन तो कोई भी ना बचता, अजे 8-7 ही मरे। जदों यह गल नकलियां ने सिंह बाणे विच आखी तो बादशाह आशश कर उठा, जंग तो बंद करा दी। कहण लगा, वो इन्हां दी नकल विच इन्नी ताकत आ, असल किहो जे होणगे, इस करके उन्हां नाल राजीनामा कर लेना चाहिए। तो राजीनामा करने वास्ते हिंदुस्तान का बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला लाहौर के सूबेदार वल्ले नाले एक चिट्ठी लिखता है कि इन्हों आ रैत दी जाए, नाले 1,00,000 रुपये की जागीर तो नवाबी की खिलत दे के भेजता। तो चिट्ठी ते की लिखता है, वार की चाल विच कुछ लाइना इं अर्ज की जा रही।
ਬੇਟਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰੋ ਜਾਜਗੀ साजिनवादी साध संगत जिक्र किया जा रहा है कि दिल्ली का बादशाह लाहौर के सूबेदार वाले एक तो नवाबी की खिलत भेजदा एक एक लख रुपये की जागीर भेजदा एक लख अज ना अंदाजा ला लेना भी लख किन्ना हुंदा ये 1733 ईस्वी की गल है एक लख रुपया अजकल दे 100 करोड़ नालों वध सी उस वेले एक लख रुपये की जागीर भेजदा तो मैं फिर दोहरा देवां कि होवे दिल्ली का बादशाह दिल्ली तो पंजाब नूं चंगी अख नाल वेखना ही नहीं चाहती तो दिल्ली वालों 1 लख रुपये की जागीर ते नवाबी की खिलत आ रही है इसका कारण फिर विचार लेना साडा इतफाक जे असीं बेइतफाकी दे शिकार होए साडा राज बर्बाद हो गया खालसा राज आंदा रहा इतफाक की लड़ी में परोए गया तो नवाबी की खिलत लख रुपये की जागीर भेजने वास्ते दिल्ली का बादशाह मजबूर हो गया और बादशाह ने जागीर भेजी 1 लख रुपये की जागीर 19 पिंड सन दीपालपुर कंगणवाल चबाल अमृतसर इत्यादिक 19 पिंडा की जोड़ा मामला आना से 1 लख रुपया बनता जोड़ा सिंघा ने निजी स्वार्थ लिया गुरुद्वार खर्चना से पंथ ने अपने लिए खर्चना से तो गुरु की साजीवादी साध संगत लाहौर के सूबेदार ने खबर मिली तो लाहौर का सूबेदार विचारदा है कि बादशाह वालों भेजी हुई जागीर तो बादशाह वालों भेजी हुई नवाबी की खिलत ये सिंघां दा किहदे हथ पजाई जाए आखिरकार सूई सरदार शबेक सिंह जंबर ते जा पई सरदार शबेक सिंह जंबर नूं नवाबी की खिलत दे के और जागीर का जो पटा हिंदुस्तान के बादशाह महमद शाह रंगीले ने भेजा सी उह दे के सरदार शबेक सिंह नूं अमृतसर की धरती वाले भेजा जा रहा है क्योंकि दीवान दरबारा सिंह की कमांड थले दिवाली का पुरब 1733 ईस्वी में बड़ी चढ़ती कला नाल मनाया जाना सी तो गुरु की साजीवादी साध संग सिंघां दा बहुत वड्डा इकट्ठ सी इस इकट्ठ विच सरदार शबेक सिंह नवाबी की खिलत और 1 लख रुपये की जागीर लैके सिंघां नूं जाके किवें मिलदा है तो सूबेदार का सुनेहा किवें दिंदा है आप जी की सेवा चर्ज किया जा रहा है तो अजों दे के सरण करना जी बेनती की जा रही ओ पाओ बसिए सु
ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾ ਕੇ ਰੋਈਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਓ ਜਗੀਰਾ ਸਿੰਘੋ ਸ਼ੇਰੋ ਈਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੀਏ ਬੱਸੋ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾ ਵਸਾ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਸੀਏ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗਰਾ ਨਾਹੀਂ ਲੜੀਏ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਪੇਕ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੰਡ ਕਰ ਲਈ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਪਤਨ 'ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਚਵਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੂਈਏ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਥਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀ ਮੁਝੀ ਗਿਲਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਾਓ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੰਥ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵੇਕ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆ ਭਰਾਓ ਲਾਹੌਰੋਂ
दिल्ली का बादशाह तुहाडे रोब अगे डर गया, तुहाडी ताकत अगे झुक गया। बादशाह ने तुहानू नवाबी दी खिलत भेजी है ते जागीर भेजी है। 1 लाख रुपये की जागीर भेजी है ते आ लो सनद, आ लो पटा ते 1 लाख रुपये की जागीर प्रवान करो। जदों ये गल सरदार शफेक सिंह आखी ते सिंह कहण लगे असी कलगी वाले पातशाह दे सिंह, असी बादशाहियां लैणियां, असी दिल्ली वालों आई हुई जड़ी जागीर प्रवान नहीं करनी, सानू कोई जागीर नहीं चाहिए, असी तेग दे जोर नाल बादशाही करांगे, असी अपना राज पैदा करांगे और राजे बन के रहांगे, जिस राज वे दुनिया का हर बंदा सुखा नाल वसेगा। सरदार शफेक सिंह जंबर के सामने सिंह गल कह रहे सन, पता लग गया शफेक सिंह नूं भी गल मनन वास्ते तैयार नहीं। फिर शफेक सिंह ने चंद शब्दों राही मैं बेनती कर देवां, अपनी लियाकत नाल अपनी विद्या नाल सरदार शफेक सिंह मरतबा पा गया। पहला तो आम नौकर सी जकरिया खान का, फिर वह कोतवाल बन गया तरक्की करके, तो अज वह वकालत करता जानी सरकारी वकील का रुतबा रखता सी। सरदार शफेक सिंह तो सरकारी वकील गल करने कितना माहिर हुंदा है, गल करने बड़ा वड्डा फर्क हुंदा है। एक छोटी जी गल भरावां वाई त्रेड़ पा देंदी है, एक छोटी जी गल मुरतां तो विगड़ियां नूं इकट्ठियां कर देंदी है, दोवां दीआं गलवकड़ियां पवा देंदी है, गल गल विच फर्क हुंदा है। सरदार शफेक सिंह ने जदों समझिया कि सिंह ये जागीर लैण वास्ते तैयार नहीं, तो सरदार शफेक सिंह हथ बन के कहिंदा सिंघो, सिंह बैठे सन उन्होंने एक बेनती कर रहा है कि मेरी बेनती ध्यान नाल सुन लो, जागीर प्रवान करनी जां ना प्रवान करनी है तुहाडी मर्जी दी बात है, पर एक मेरी बेनती स्वीकार कर लो, एक बेनती सुन लो। सरदार दरबारा सिंह ने आखा, दस शफेक सिंह तेरी की बेनती है। सरदार शफेक सिंह जंबर अमृतसर की पावन धरती से अकाल तख्त साहब के लागे खुले वेड़े विच सिंघां नूं मुखातब होके इउं आख रहे। सिंघां दे सिदक उत्ते छाती जदों पाई दी दौलतां जगीरां नहीं चाहुंदे सिंघ सूरमे, जर ते जमीन जोर वल कदे झाकदे ना, पीड़ां पईआं हस के वंडाउंदे सिंघ सूरमे, जुल्मां दे नाल सदा खेंदे ने पहाड़ वांगू, ठोकरां नवाबियां नूं लाउंदे सिंघ सूरमे, झूठ नहीं सितारे आए साडा इतिहास दसे, ठोकरां नवाबियां नूं लाउंदे सिंघ सूरमे, ठोकरां नवाबियां नूं लौदे सिंह सूरमे। हथां विच फाड़ के बादशाह दी चिट्ठी हथां विच फाड़ के, हकीकत
ਸਾਤ ਸਾਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣੋ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜਾਣੋ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੱਚਾ ਜਰਾ ਲਾਏ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਲੋ ਜਗੀਰ ਪਰਵਾਨ ਖਾਲਸਾ घर खाट सारे डटे हुए उसार के दुखियां नू घाट तेग दी उतार के जगीर लेंदे क्यों नहीं क्योंकि बादशाह ने भेजी सिंघा ने आख्या जगीर इसलिए नहीं लेंदे भी साड़ी इहदे विच तोहीन होवेगी अपमान होवेगा। सरदार छबेक सिंह ने बड़े भावपूर्वक शब्दों विच आख्या सिंघो जदों किसी ने अपनी धी का रिश्ता किसी मुंडे वाले नाल करना होवे पहला कुछ पैसे शगन के रूप में भेजदा है ते नाल कुछ वस्तां भेजदा है तो फिर अपनी धी का विआह करता तो उदों नाल दाज भी दिंदा। दिल्ली का बादशाह तुहाडा विआह आजादी नाल करना चाहुंदा है खालसे नूं आजादी देनी चाहुंदा है तो शगन के रूप में लख रुपया भेजा उन्हें जगीर के रूप में फिर तुहाडा राज भी आ जाएगा तोहीन तां होवे जे तुसीं मंग के लई होवे जगीर तां बादशाह भेज रहा
मेरी बेनती स्वीकार की जाए। भाव पूर्वक शब्दों में सरदार शबेग सिंह ने यह गल कही, पंथ ने प्रवान कर ली। सरदार दरबारा सिंह दीवान ने वह कागज फड़ लिया जिदे एक लख रुपये की जागीर सी जयकारे छड़े गए। हुण वारी आउंदी है नवाबी की खिलत की। तुसीं विचारते हो गए भी नवाबी की खिलत के अर्थ की ने। नवाबी का मरतबा जिहड़ा है वह इलाके के सूबेदार के बराबर हुंदा है। सूबेदार दे नवाब आपां सूबेदार नूं भी कह सकते। सूबेदार दे बराबर की पावर सी जिहड़ी सिंघां वल्ले दिल्ली के बादशाह ने भेजी, तो जिहड़ी खिलत भेजी, जिहड़ियां वस्तां भेजियां ने, वह चांदी का बर्तन है बेड़ी वर्गा बनिया होया, परातक दे आकार का बेड़ी नुमा चांदी का बर्तन। उहदे विच कीन खाब की पोशाक है, एक तलवार है जड़ाऊ जी का मुठा सोने का, तो उहदे ते हीरे जड़े ने, दो सोने के कंगन ने हीरे जड़े, एक सोने का कैंठा है, एक दस्तार है। ये चीज़ा भेजिया ने बादशाह ने नवाबी की खिलत वास्ते। सरदार दरबारा सिंह दे बाकी सिंह जड़े ने ना बत्ती सिंह वो घेरा बना के बैठे सन, तो बाकी सिंह पिछले पासे बैठे सन, ये थोड़े जे उन्हां दे सीनियर सन, बाकी पिछे बैठे सन। हुण नवाबी की खिलत की जिहड़ी वह बर्तन सी ना बेड़ी नुमा, दीवान दरबारा सिंह दे सामने रखिया सरदार शबेग सिंह ने। उन्हें नज़र भर के वेख्या तो सरदार ने चौंकड़ा खोलिया, तो चौंकड़ा खोल के अपना सज्जा पैर अगांह किया, तो ठुड मार के बाबा दीप सिंह अगे कर दिता। बाबा दीप सिंह साहब जी ने चौंकड़ा खोलिया, तो ठुड मार के हरी सिंह हजूरी अगे कर दिता। हरी सिंह ने वेख्या तो ठुड मार के चढ़ सिंह शुकर चकी अगे कर दिता। उन्हें वेख्या तो अगले अगे कर दिता, दूजे ने उस तो अगले अगे कर दिता। जनी नवाबी की खिलत घूमती घूमती सरदार दरबारा सिंह के सामने आ। दरबारा सिंह ने फिर उही कुछ किया, अगले ने भी उंज किया, तीजे भी उंज किया। दूजी बार नवाबी की खिलत घूमती घूमती फिर सरदार दरबारा सिंह के सामने आ गई। शबेग सिंह समझ गया भी इन्हें नवाबी की खिलत नहीं लैनी, तो वह कहन लगा, वो सरदारो जे तुसा नहीं लैनी तो किसी सेवादार नूं ही दे दिओ। जदों आख्या सेवादार नूं दे दिओ, तो सेवादार सिंघां विच पखे चल रहा सी, वह पखे की सेवा कर रहा सी। सरदार कपूर सिंह 36 साल की उम्र है, पखा चलण की सेवा कर रहा है। सरदार दरबारा सिंह ने आवाज़ मार के आख्या, कपूर सिंह नूं दे दिओ, गुरु घर का सेवादार। कपूर सिंह नूं आख्या, भई नवाबी की खिलत लै लै। उन्हें आख्या, आपां कम जिहड़ा कर रहे मेरे वास्ते उह नवाबी, आपां नड़ी नवाबी नहीं लैनी, मैं इह कम नहीं छड्डना। जदों उसने भी इनकार कर दिता, फिर पांच सिंह चुने गए, तो पंजा सिंघां ने आख्या, असीं हुक्म करदे हाँ कपूर सिंह, नवाबी का रुतबा तैनू लैना पवेगा। सरदार कपूर सिंह ने आख्या, पांच सिंह साहबानो, तुहाडा हुक्म तां कलगी वाले पातशाह भी नहीं सी मोड़िया, उन्हां वी चमकौर दी हवेली विचों तुहाडा हुक्म मन के हवेली छड्डन वास्ते तैयारी कर लई सी, तुहाडा हुक्म ते नहीं मोड़दा, दिल्ली वल्लों आई हुई नवाबी की खिलत लैण वास्ते तैयार हाँ, पर मेरिया कोई शर्तां ने, जे पंथ मेरिया शर्तां मन लवे तो नवाबी दे दो, मैनू इतराज़ कोई नहीं। सिंघां ने आख्या, दस कपूर सिंघा तेरिया की शर्तां ने। सरदार कपूर सिंह पखा चलदा चलदा नवाबी का रुतबा लैण तो पहला सिंघां नू अपनी शर्तां इउं दस। डरावे तेरा खालसा, पंज घुट पी के तेरे बाटियां प्रेम वाले
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਜ਼ਮਾਉਣੇ ਦੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਛਾਤੀ ਮੂਰੇ ਢਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਠੋਕਰਾਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ हाथ जोड़ के कपूर सिंह आखिया हाथ जोड़ के कपूर सिंह आखिया सुनो प्यारे खालसा जीओ सुनो प्यारे खालसा जीओ करां बेनती सुनो कन ला के करां बेनती सुनो कन ला के अपने सेवक दी अपने सेवक दी जेड़ी बादशाह जेड़ी बादशाह नवाबी भेजी जेड़ी बादशाह नवाबी भेजी दिल्ली वल्लों खालसे नू दिल्ली वल्लों खालसे नू ओनू करां बई ओनू करां परवान सिंह साहब जी ओनू करां परवान सिंह साहब जी आप दा हुक्म मन के आप दा हुक्म मन के पर शर्ता मेरिया सुन लो पर शर्ता मेरिया सुन लो इस च गुंजैश कोई ना इस च गुंजैश कोई ना पक्खा चलांगा संगत बिच खाड़ के पक्खा चलांगा संगत बिच खाड़ के गुरु जी दा रूप जान के गुरु जी दा रूप जान के जेड़े खालसा पंथ दे राकी जेड़े खालसा पंथ दे कोड़े जेड़े खालसा पंथ दे राकी जेड़े खालसा पंथ दे राकी नित नहीं हटाणो हटना नित नहीं हटाणो हटना तीजी मुगला तीजी मुगला अधीन हो के लड़ना तीजी मुगला अधीन हो के लड़ना नाही परवान करागा नाही परवान करागा चौथी जंग दे मैदान विच जो भी चौथी जंग दे मैदान विच जो भी खालसे दे हत्थी आवेगा खालसे दे हत्थी आवेगा हो मालकी उस ते सिंघां दी हो मालकी उस ते सिंघां दी तुरकां नूं नहीं देवांगा तुरकां नूं नहीं देवांगा ना मैं हुक्म हाकम दा मनना ना मैं हुक्म हाकम दा मनना हो ना मैं हुक्म हाकम दा मनना ना मैं हुक्म हाकम दा मनना ना ही कोई तोहफा भेजना ना ही कोई तोहफा भेजना जे ए शर्त तुसानू पावे शर्त तुसानू पावे खिलतन वापी दी खिलतन वापी दी मैनू दे दियो मैनू दे दियो गुरु के सिखो प्यारियो मैनू दे दियो गुरु के सिखो प्यारियो हथ जोड़ सिंह साहब जी हथ जोड़ सिंह साहब जी कहींदे शेर ना दीन मिर्गा जो कदे शेर ना दीन मिर्गा
सरदार कपूर सिंह ने अपनी शर्तां पंथ नूं दसियां। पहली गल तां नवाबी लवांगा गुरु की संगत दे जोड़ियां नाल छुआ के, ते दूजी गल भी नवाबी दा मरतबा पा के मैं पखा झलण दी सेवा तो नहीं जे हटना, घोड़ियां दी लिद हटाउण तो नहीं हटना, मुगलां दे अधीन हो के नहीं लड़ांगा। जंग विच लड़दियां जिहड़ा सानू दुश्मनां दा समान हथ लगेगा उहदा हिस्सा मुगलां नूं नहीं देवांगा, ते ना मैं उहनां नूं सलाम आखणी है ते ना उहनां दा सत्कार करना। जे शर्त प्रवान ने ते मैनूं दे दिओ। बड़ी जल्दी नाल इक नज़म अर्ज करके आप जी तों इजाजत लवांगे। जदों सरदार कपूर सिंह ने शर्तां पंथ दे सामने रखियां, शबेक सिंह नूं हुक्म सी जो मर्जी होए नवाबी दी खिलत पंथ नूं दे के आउणी, ते सरदार शबेक सिंह ने आख्या कपूर सिंह जी तुहाडी हर गल प्रवान है, होर भी कुछ कह दो ते ओही प्रवान कर ली जाएगी, पर तुसीं नवाबी दी खिलत लै के नवाब दा मरतबा पाओ। जदों इह गल सरदार शबेक सिंह ने कह दित्ती, दीवान दरबारा सिंह उठे, एक सिंह ने वह बेड़ी नुमा चांदी का बर्तन हाथ में फड़ लिया, तो सरदार दरबारा सिंह घोड़िया की लिद हटाने वाले कपूर सिंह नू नवाबी की खिल क्यों पहना रहे। पंथ दे प्यारे श्रद्धालु कई जथेदार दिल चल कोई बैठे पंथ दा प्यार ने, ऐसे जथेदार उत्तों कौन वारे वारे जाइए, जेड़े दिन दे पंथी उत्तों जिंद हसवार ने। एक बेड़ी डोब दे ने ते एक बेड़ी तार दे ने, ओ भी जथेदार ने ते ए भी जथेदार ने। एक जथेदार हुंदे फोटो ही खिचाउण वाले, ओ ता हेरा फेरी विच हुंदे बहुत हुशियार ने, हेरा फेरी विच हुंदे बहुत हुशियार ने। भाई दरबारा सिंह ने उठ फते बुलाई, हो भाई दरबारा सिंह ने उठ फते बुलाई, फिर भाई दरबारा सिंह ने उठ फते बुलाई, हो कहिंदा धन गुरु दा खालसा धन धन कमाई, धन गुरु दा खालसा धन धन कमाई, हो धन गुरु दा खालसा धन धन कमाई, हो धन गुरु दा खालसा धन धन कमाई, हो हीरिया जड़ी पछाड़ सी फिर हीरिया जड़ी पछाड़ सी, फिर हीरा जड़ी पछाक सी सिंह नू पहनाई, आ हीरा जड़ी पछाक सी सिंह नू पहनाई, ओ हीरा जड़ी पछाक सी सिंह नू पहनाई, ओ हीरा जड़ी पछाक सी सिंह नू पहनाई,
ਦੀ ਰਹਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈ ਫਿਰ ਥਾਨ ਫਿਰੋ ਸੀ ਕਿਲਤ ਸੀ परोसी खिलत सी हाथ विच उठाई थार परोसी खिलत सी हाथ विच उठाई हो थार परोसी खिलत सी हाथ विच उठाई हो थार परोसी खिलत सी हाथ विच उठाई हो उथे खड़ा नवाब कपूर सिंह सीनी में पाई खड़ा नवाब कपूर सिंह सीनी में पाई धन कंथ खालसा मौजिया धन धन कमाई धन पंथ खालसा मौजिया धन धन कमाई हो धन पंथ खालसा मौजिया धन धन कमाई धन पंथ खालसा मौजिया धन धन कमाई धन धन कमाई धन धन कमाई हो दीवान दरबारा सिंह ने दिल्ली दरबार वालों आई हुई नवाबी की खिलत जिदे कीन खाब की पोशाक सी जिदे ते सोने दिया तारा की कढ़ाई की ते हीरे जड़े सन घोड़िया की लिद हटाने वाले कपूर सिंह नूं पहना दी जयकारे छड़े गए अकाल पुरख का धनवाद किया गया फिर सरदार कपूर सिंह नवाबी का मरतबा पा के सिंघां नूं मुखातब होया कहन लगा खालसा जी दिल्ली दरबार से बहुता यकीन ना रखो दिल्ली दरबार वालों आई हुई नवाबी से बहुता माण ना रखियो जिन्हां ने सिंघां दी ताकत अगे झोके नवाबी भेजी है कदे वक्त आ गया नवाबी वापस मंगण वास्ते भी तैयार होण नवाबी आउण दा कारण है पंथ दा इतफाक जे बेतपाकी का शिकार हो गए तो अगला सवेरे ही मंग लैनी इस करके इतफाक विच रहो चढ़दी कला विच रहो पंथ शक्तिवान होएगा तो खालसे का राज होएगा इतिहास के पन्ने दसते ने 36 साल के नवाब कपूर सिंह ने जिहड़ियां गल्लां कहियां सन वो पूरियां होईयां एक बारी दिल्ली दरबार वालों ये नवाबी वापस लैण वास्ते भी कहा गया और लई भी तो गुरु की साजी नवाज जी साध संगत इत्थे नंबरदारी तो भरा लड़के मर जाते हैं तुसीं वेख्या नवाबी की खिलत सूबेदारी का रुतबा दिल्ली के बादशाह ने भेजा 32 सिंघां विचों कोई लैण वास्ते तैयार नहीं तो घोड़ियां दी लिद हटाउण वाले कपूर सिंह नूं दिता गया तो उन्हें भी शर्तां रख के ये नवाबी की जिहड़ी खिलत प्रवान की यानी नवाबी का मरतबा लिया त्याग विच बड़ी वड्डी शक्ति हुंदी है लालच बंदे नूं रसातल वाले खड़दा है अरदास है गुरु के चरणों में लालच बस मेरी कौम ना होवे त्याग की मूर्त बन जाए पंथ की चढ़दी कला होवे दिल्ली दरबार अगे जिहड़े असीं जाके दिल्ली जाके धरने लाने हां जे असीं इस पाक की लड़ी में परोए जाएगी फिर धरने लाने की कोई लोड़ नहीं ना कोई काले कानून बनणगे ना पंथ दे हितां लई कोई माड़ा सोचेगा पंथ चढ़दी कला में जाएगा ये आप जी के चरणों में सनमर बेनती है निश्चित किया हुआ समय बिन समाप्त हो चुका है।